इस वीडियो में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और तीनों सेनाओं में अग्निवीर की भर्ती सारे भारतीय और नेपाली नागरिकों के लिए है और आर्मी में अग्निवीर की भर्ती किसी कास्ट या क्लास बेस्ड रेजिमेंट के लिए नहीं है। भर्ती के बाद ही डिसाइड होगा कि आपको किस रेजिमेंट में भेजा जाएगा। 8वीं पास से लेकर 12वीं पास युवाओं के लिए और जिनकी उम्र 17.5 से 23 साल तक है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि मैक्सिमम एज 23 साल की जो है वो सिर्फ 2022 के बैच के अग्निवीरों के लिए होगा, उसके बाद मैक्सिमम एज रहेगा 21 साल तक। जो लोग 8वीं पास हैं वो सिर्फ इंडियन आर्मी के ट्रेड्समैन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग 10वीं पास हैं वो इंडियन आर्मी और नेवी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग 12वीं पास हैं वो इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जनरल ड्यूटी सोल्जर और टेक्निकल कैटेगरी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मार्क्स कितने चाहिए। तो 8वीं में जस्ट पास और 10वीं में भी जस्ट पास हुए हो, यानी हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स आए हैं, तो इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड्समैन यानी आर्मी में शेफ या कुक, स्टीवर्ड या वेटर, आर्मी बैंड में म्यूजिशियन और हाउसकीपिंग या साफ सफाई वाले कर्मचारी, ये सारे ट्रेड्समैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। 10वीं में अगर एग्रीगेट में 45% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने साइंस में 12वीं किया है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय लेकर और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं तो आर्मी में टेक्निकल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं साइंस में नहीं किया है और इंग्लिश और मैथ या अकाउंट्स और बुककीपिंग विषय लेकर पास हुए हो तो क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब नेवी अग्निवीर की बात करें तो नेवी में अग्निवीर MR यानी मैट्रिक रिक्रूट और अग्निवीर SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए फॉर्म खुलेंगे। अग्निवीर MR के लिए चाहिए मिनिमम 10वीं पास और अग्निवीर MR में भर्ती होने पर नेवी में शेफ, स्टीवर्ड और सैनिटरी हाइजीनिस्ट के पदों पर काम कर सकते हो। अग्निवीर SSR के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और आपके विषय होने चाहिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के रूप में भर्ती के लिए दो अलग अलग एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं। एक है 12वीं साइंस जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी रहेगा और दूसरा है 12वीं पास नॉन साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन मार्क्स आपके एग्रीगेट 50% के नीचे नहीं होने चाहिए और ख़ासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया के नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको हाइट, वेट जैसे फिजिकल और डेंटल, विजन, हियरिंग जैसे मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो ये देखने के लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें जाकर अपने डिटेल्स डालिए तो वहाँ आपको आपके एज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और नेवी के लिए भी एलिजिबिलिटी टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट यही होगा कि पहले आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा लें, फिर आगे की प्रोसीजर की शुरुआत कीजिए। और अग्निवीर बनने के क्या क्या फायदे हैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अग्निवीर बनना है या नहीं। ऑल द बेस्ट।